अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रदीम। इस वक्त मेरे साथ हैं एमपी लियाकत असकानी जो रुकने सिंध असम्बली हैं। इस वक्त बल्दियात इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमारे इलाके के अंदर नज़र आ रही है, उस हवाले से मैं बात करूँगा। बल्दियात इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत गहमा गहमी है NA-249 के अंदर और पूरी कराची के अंदर ही। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त मूनसून के हवाले से जो बारिशें हो रही हैं, देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है नाले, रोड, सेवरेज, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासर कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप आने वाले इलेक्शन में, बल्दियात इलेक्शन में क्या सीटें ले पाएंगे? देखिए जी, जिस तरह की बारिशें हो रही हैं उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतजाम किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। मैं खुद ज़िला क्यामाड़ी, सीएम साहब की तरफ से ज़िला क्यामाड़ी मुझे दिया गया है कि उसकी आप देखें अब रिवर रोड पर पानी जमा होता था, वो भी क्लियर है। अपना शेरशाह में काफ़ी पानी जमा होता था, अभी आप वहाँ पर भी इतना नज़र नहीं आएगा। गोलीमार का इलाका ऐसा इफेक्टेड होता था और क्यामाड़ी के जो जैक्सन बाज़ार है वहाँ पर भी काफ़ी इस तरह होता था। मालीपुर, अलहमदुल्ला ये सारे इलाके क्लियर हो गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सालों में यहाँ पर काम करा है, आप देख सकते हो कि साइड एरिया की 28 रोड हैं जो पीपल्स पार्टी ने बनाए। आप साइड एरिया की तरफ चले जाओ आपको पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पर इस तरह की प्रॉब्लम है। उसको हमने रात को भी, हम पूरी रात वहाँ पर मौजूद थे, DC साहब हमारे साथ थे, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे परवेज़ अहमद साहब हमारे साथ थे, जीशान तंदूनी जो आपके साथ बैठे हुए हैं, और काफ़ी दोस्त थे, पार्टी के लोग थे, हमने वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख सकते हो बारिश तो चल रही है, पानी का रुक रहा नहीं है, लेकिन जिस तरह बारिश थोड़ी रुकती है हमारी मशीनरी पहुंच जाती है साफ करने। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मतलब हर बार हम लोग यही सुनते हैं कि मतलब है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं नुमाइंदगान आते हैं जो भी इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि इस बार जो है पानी का मसला हो जाएगा, इस बार जो है ना आपके रोड भी बनेंगे, ये एक ही दफ़ा ये सिस्टम क्यों मतलब इस तरह सेट नहीं हो रहा? देखिए जी, हमने तो काम करके दिखाया है, बाकी जो लोग कहते हैं आप उनसे पूछें। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि साइड एरिया में 28 रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। आप मेट्रोविल की तरफ चले जाएँ, आप गनी चौरंगी की तरफ चले जाएँ, आप ये GCT कॉलेज का रोड देख लें, ये सारे पीपल्स पार्टी ने बनाए। आप मारीपुर रोड देख लें, ये 2 सालों में बने, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अभी देखें जो 30-40 सालों से इस कराची पर मुसलत है, उन्होंने जो कराची का हाल किया है, अब 3-4 सालों में जो पीपल्स पार्टी ने काम किया भी सब आपके सामने। एक चीज़ और बताएं मुझे, इस वक्त जो है कराची के अंदर जो सूरत हाल है, आपके मद मुकाबले जमात इस्लामी PTI और आपकी तो जो है ना मद मुकाबले बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जिसके साथ आप इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन क्या समझते हैं क्या आपको टफ टाइम देगी PTI और जमात इस्लामी? नहीं, इस तरह का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हर जगह पर, डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, हर जगह पर तमाम पार्टियां कह रहे हैं हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत बन चुकी है। इंशाल्लाह ताला आप देखोगे बल्दिया टाउन का नाजिम भी पीपल्स पार्टी का जियाला होगा, जिये भुट्टो कहने वाला होगा, मारीपुर टाउन का नाजिम भी जियाला होगा, साइड टाउन का नाजिम भी जियाला होगा, और आप देखोगे मंगोपीर में भी टाउन नाजिम पीपल्स पार्टी का होगा, मोमनाबाद में भी पीपल्स पार्टी का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने काम किए हैं, हमें पब्लिक से उम्मीद है, अभी पब्लिक का काम है, अगर हमने उनकी खिदमत की है तो हमारी वो खिदमत करें। बहुत शुक्रिया आपका।